दोस्तों नमस्कार। कहावत है कौआ कान ले गया का हल्ला मचता है, तो तमाम लोग अपना कान देखे बगैर ही कौए के पीछे दौड़ने लगते हैं। यही हो रहा है आजकल मूलतः उत्तर प्रदेश में, या यूं कहें हिंदी भाषी राज्यों में। यहां बच्चा चोरी की अफवाह इस कदर हावी है तो लोग उसके शिकार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बच्चा चोरी गैंग के सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में कई जगह खबरें आई हैं जिनमें भीड़ द्वारा लोगों की पिटाई के मामले भी सामने आए हैं। जिन लोगों को भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में पीटा है उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह की खबरों से पिछले कई दिनों से परेशान है। पुलिस के मुताबिक ये सभी घटनाएं अफवाह हैं। कई जिलों में इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं कई जनपदों में पुलिसकर्मियों द्वारा माइक से सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट भी कराया गया है। मुजफ्फरनगर में तो पुलिस ने इस तरह का अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिले में अब तक अलग अलग थाना क्षेत्रों में 8 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। प्रदेश में बच्चा चोरी को लेकर भीड़ द्वारा पिटाई के मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्ती दिखाई है। ADG कानून व्यवस्था ने मामले में सभी जिले के कप्तानों को एक्टिव रहने को कहा है। निर्देश में अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर PV राम शास्त्री ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी बच्चा चोरी की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। कुछ शरारती तत्वों ने साजिशन रहा गुजरते व्यक्ति और मानसिक रूप से विचित्र लोगों को बच्चा चोर बताकर भीड़ ने पीटा है। ऐसे में पुलिस सख्ती से इन अराजक तत्वों से निपटे। अब तक प्रदेश में मेरठ, आगरा, कानपुर, जौनपुर, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, बिजनौर और संभल जिले में कुल 28 घटनाएं सामने आई हैं, जहां करीब 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मित्रों, दादास्तक 24 भी आपसे गुजारिश करता है, ऐसी अफवाहों से बचें, देश में शांति का माहौल बनाकर रखें। नमस्कार।